तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकर रिव्यू पे। और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ ना भाई, उस मूवी का नाम है ताना। और ये मूवी हमें क्यों देखनी चाहिए, ऐसा इस मूवी में क्या है, और मैंने जब इस मूवी को देखा तो मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा इस मूवी को लेके, इसी वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा। इस मूवी को ना IMDb पे 5.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने 86% के लाइक्स दिए। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है युवराज ने। और इस मूवी की कास्टिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे वैभव रेड्डी, योगी बाबू, हरीश और नंदिता श्वेता। भाई पहली बता दूं, ये मूवी ना कुछ खास लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि जिन लोगों को भाई कॉमेडी और थोड़ा सस्पेंस देखना पसंद है ना, तो भाई ये दोनों आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और भाई इस मूवी को भाई प्लीज गलती से भी स्किप मत करना, भाई मूवी बहुत ही ऑसम है। लेकिन अगर इसकी IMDb रेटिंग पे जाए ना, तो भाई इस मूवी की रेटिंग के हिसाब से चलू तो ये मूवी एक एवरेज मूवी होने वाली है। और भाई इस मूवी में जो कॉमेडी का लेवल है ना, यहाँ से ना यहाँ है, क्योंकि भाई कम से कम जब ये मूवी स्टार्ट हुई ना, तो एक घंटे तक तो भाई इतनी कॉमेडी की भाई आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। और भाई योगी बाबू ने जो भाई इसमें एक्टिंग की है, भाई कसम से वैभव रेड्डी को तो पीछे छोड़ ही दिया था उन्होंने, क्योंकि भाई योगी बाबू का तो नाम ही गाफिया मूवी में, क्योंकि जब वो अपना आते ना तो भाई एक्टिंग में तो बेस्ट और भाई कॉमेडी तो लाजवाब। और अगर इस मूवी के फर्स्ट हाफ की बात करें ना, तो इस मूवी का फर्स्ट हाफ भाई मुझे लाजवाब लगा। और अगर इस मूवी के सेकेंड हाफ की बात करें, तो इस मूवी के सेकेंड हाफ में आपको थोड़ा सीरियसनेस देखने को मिलेगा, थोड़े इमोशंस देखने को मिलेंगे। और इस मूवी में भाई आपको ना दो स्टोरी देखने को मिलेगी। और इस मूवी में जो वैभव रेड्डी का कैरेक्टर है ना भाई, उसके जैसा कैरेक्टर भाई कसम से, जिस तरह से उस कैरेक्टर को डेवलप किया है ना भाई, मूवी स्टार्ट होते ही आप उस कैरेक्टर से एकदम कनेक्ट हो जाते हो। क्योंकि उसके गांव में एक प्रथा होती है कि जो भी ठाकुर का लड़का होता है ना, वो एक बार पुलिस में ज्वाइन हो जाए ना, तो उस मंदिर में ना वो पूजा करवाता, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे कुछ लोगों का यहाँ पे आतंक रहता था, और जहाँ पे ब्रिटिश के कुछ सिपाही होते ना, वो भी इन लोगों से हार जाते हैं, तो वहाँ पे एक गांव का बंदा आगे आके ना उन लोगों को हराता है, तो वहाँ पे उसको एक पुलिस घोषित कर दिया जाता है, और वो वहां और तभी से वो गांव लोगों की रक्षा करता है। और फिर जो भी उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ठाकुर का लड़का आता है ना, तो गांव हमेशा सेव रहता है। और इस मूवी के अगर पिछले सालों की बात करें ना, तो अदर गांव के अकॉर्डिंग भाई इस गांव में ना भाई क्राइम रेट बहुत कम रहता है। जो उसके दादाजी होते हैं, तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं अपने लड़के को जरूर पुलिस में भर्ती करवाऊंगा, और वो पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहता, इसमें वैभव रेड्डी का जो कैरेक्टर है। और इस मूवी में जितने भी पुलिस वाले है ना, उसको भाई हमेशा अच्छे से बोलते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे खानदान से जिस उसने गांव की रक्षा की थी। और इस मूवी में लोग वैभव रेड्डी की इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि वो एक आने वाला पुलिस ऑफिसर है, और क्या वो पुलिस ऑफिसर बनता है या नहीं बनता, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में वैभव रेड्डी को ना भाई बचपन से ही बहुत टॉर्चर करते हैं उसके पापा, क्योंकि उसके पापा का सपना होता है कि मेरा बेटा पुलिस में जाए, और उसको बहुत दौड़ाते हैं, भगाते हैं, लटकवाते हैं, जिससे उसकी हाइट निकले और वो फिजिकली स्ट्रांग रहे। सारी एबिलिटी होने के साथ साथ ना उसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब भी वो खुश होता है या नर्वस होता है ना, तो उसकी आवाज ना एक लड़की की आवाज में बदल जाती है, जिसकी वजह से ना लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। और जब उसको एक बार एक लड़की पसंद आती है वैभव को, तो वो उस लड़की से बात नहीं करता, क्योंकि पता है वहां पर वो इमोशनल हो जाता है प्यार के चक्कर में, क्योंकि पता है अगर वो कुछ भी बोलेगा तो उसकी आवाज लड़की जैसी हो जाएगी। इस मूवी में जो योगी बाबू का कैरेक्टर है ना, वो एक बैंक से जितने भी लोग लोन लेते हैं और उसको चुका नहीं पाते हैं, तो वो उसके लोगों के घर जाता है पैसे लेने के लिए, EMI के बारे में बताने के लिए, और वैभव रेड्डी हमेशा उसके साथ रहता है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। भाई अगर इस मूवी के बेस्ट सीन के बारे में बात करूँ ना, तो इस मूवी का बेस्ट सीन तब आता है जब नंदिता वैभव को बहुत पसंद करने लगती है, और वैभव नंदिता को कुछ नहीं बोलता है, और नंदिता अपने पूरे परिवार को लेके वैभव के घर चले जाती है शादी के लिए। और वहां पे भाई जैसे उस पर लाइन मारते है ना भाई, कसम से लड़की बवाल है यार, जो भी कहो, ऐसा प्यार किसी को मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है। और अगर आपके साथ भी दुर्घटना या अगर कोई अच्छा इंसिडेंट हुआ ना, तो प्लीज भाई मुझे कमेंट करो कि भाई कितने ऐसे हसीन पल देखे हैं कुछ बंदों ने, उन बंदों के नाम तो जानो कि कैसे होते वो लोग। और अगर इस मूवी की स्टोरी पे आए ना, तो इस मूवी में आपको दो स्टोरी देखने को मिलेगी। जो इस गांव से रिलेटेड प्रथा है कि जो पुलिस ऑफिसर बनेगा वो वहां पे पूजा करवाएगा, लेकिन इसमें वैभव रेड्डी पुलिस नहीं बनना चाहता है, लेकिन किसी कारण की वजह से वो पुलिस में ज्वाइन होता है,
और अनऑफिशियली जब उसकी मुलाकात एक ऐसे पुलिस वाले से होती है जो उसको पुलिस वाला नहीं बनने देता, लेकिन उसके हाथ में एक ऐसा केस आ जाता है और जब वो उस केस को सॉल्व करता है ना तो भाई मजा आ जाता है। जिस तरह वो पूरे सबूत को लेके इन्वेस्टिगेट करता है ना, और भाई जो उसका आउटपुट निकल के आता भाई कसम से एक एक की हवा टाइट कर देता है वैभव तायर। और ये मूवी बहुत बेस्ट है भाई, कसम से बोल रहा हूँ, ऐसे लाजवाब मूवी कहीं नहीं देखी होगी। ये आपको एंटरटेन तो करती है और ये मूवी फैमिली मूवी होने वाली है, और इस मूवी को भाई बिल्कुल मिस मत करना। और इस मूवी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस मूवी में जो स्टोरी है ना भाई सेकंड वाली, भाई उसके बारे में आपको जरा सा भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि भाई स्पॉइलर आ गया तो भाई कसम से कमेंट में बाढ़ आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भाई इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा ना तो प्लीज भाई वीडियो का लाइक कर देना, कमेंट कर देना और भाई शेयर तो कर ही देना। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।